ब्राह्मण कल्याण सभा रोहड़ू ने पितरों की शांति के लिए पितृ यज्ञ और भागवत कथा का आयोजन किया है। 7 दिनों तक चलने वाले इस यज्ञ में ब्यास प्रवेश दत्त शर्मा के मुख से ज्ञान रूपी रस का प्रभाव लोगों को सुनने को मिलेगा। रोहड़ू में ब्राह्मण कल्याण सभा द्वारा पितरों की शांति के लिए भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। वही 11 विद्वान पितरी शांति यज्ञ भी कर रहे हैं। रोहड़ू जुब्बल व चिड़गांव के करीब 30 लोग इसमें भाग ले रहे हैं। 7 अक्टूबर को यज्ञ की समाप्ति पर पितरों के पिंडों को गया बिहार पहुंचाया जाएगा। शिव शक्ति मंदिर रोहड़ू में चल रहे पितर शांति के लिए महाभागवत में भारी संख्या में लोग कथा सुनने के लिए मंदिर आ रहे हैं। वहीं यहाँ पर प्रतिदिन भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। सभी लोग जो है ये समझते हैं, ये भी मानते हैं कि पितृ दोष के कारण आज कई लोगों को जो है जन्म कुंडली में पितृ दोष आता है और घर में पितृ दोष आता है। इसका कारण ये है कि हम पितरों के निमित्त पूर्णता से पूर्ण रूप से कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसे हम श्राद्ध करते हैं, वार्षिक करते हैं, चतुर्दशी करते हैं, वार्षिक श्राद्ध करते हैं, तो आज जो है कोई भी व्यक्ति इसे पूर्ण रूप से नहीं कर रहा है। और मैं तो ये मानता हूँ इसका जो पितृ दोष का मुख्य कारण है वो यही है, क्योंकि माता पिता की सेवा जब तक बालक बच्चा नहीं करेगा तब तक उसको उनका आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होगा। मैं तो इनको साधुवाद देता हूँ, ये सभी साधुवाद के पात्र है जो कि इतने यजमानों को यहाँ पर एकत्रित किया है। सिटी चैनल के लिए रोहड़ू से प्रदीप राही की रिपोर्ट।